हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट मंत्रा चैनल से, क्या सच में डायन होती है? हो गया खुलासा, मिस्ट्री ऑफ डायन इन हिंदी। ओके तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं और पता करते हैं भैया डायन सही में होती है या नहीं होती है, या वैसे ही किसी को बदनाम कर रखा है ना, क्योंकि डायन के नाम पे यार बहुत सारे ऐसे कांड हो रखे हैं कि हम लोग को अब सुन के ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि सोचो यार कैसे उन पे बीती होगी। आप लोग ने शायद सुना होगा सलेम विच ट्रायल्स। अगर नहीं सुना है तो इस नाम को, सलेम विच ट्रायल्स, एक बार किसी भी वीडियो को देखना ज़रूर। ओके, और तब पता चलेगा कि क्या ही रहा है हमारा टाइम। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। वैम्पायर क्या डायन सच में होती है? मिल गया सबूत। कहते हैं कि डायन जितने लोगों को मारती है उतनी ज्यादा वो शक्तिशाली होती चली जाती है। कई बार तो ये आम लोगों के बीच रहती है और किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीजों पर लोगों को भले ही विश्वास ना हो, लेकिन डायन और चुड़ैल के अस्तित्व पर किसी को भी शक नहीं होता, क्योंकि इनसे जुड़ी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हो सकता है कि आप लोगों ने इनको देखा भी। पर सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान किस तरह डायन में बदल सकता है, और डायन बनने के बाद इनकी जिंदगी किस तरह चलती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों डायन बनने के बाद वो अपने पति या बेटे की हत्या कर देती है। इन सभी सवालों के जवाब वीडियो में मौजूद है, बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सबसे पहले तो हमें डायन और चुड़ैल में अंतर पता होना चाहिए। आप शुरुआत से ये बात सुनते आ रहे होंगे कि डायन और चुड़ैल बुरी होती है, जिन्हें लोगों को परेशानी में डालकर खुशी मिलती है। पर दोस्तों, सच्चाई इन बातों से कोसों दूर है। एक औरत के लिए आम इंसान से डायन या चुड़ैल बनने का जो सफर होता है, उसे सुनकर किसी का भी दिमाग हिल जाए, क्योंकि महिलाएं इस हद तक सिर्फ और सिर्फ समाज की वजह से ही पहुंचती हैं। जब समाज में किसी महिला का यौन शोषण करके उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर कभी दहेज के लिए या फिर घर की बहू पर उत्पीड़न किए जाते हैं, तो फिर उसे मार देते हैं। कभी बच्चों को जन्म देते हुए किसी औरत की मृत्यु हो जाती है, तो कई बार समाज की बुराइयों से परेशान होकर कोई औरत आत्महत्या कर लेती है। ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि जिंदगी भर दर्द झेलने के बाद मरने वाली औरतें चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ, जब किसी जिंदा औरत को समाज में परेशान किया जाता है, जैसे कि किसी औरत का बच्चा ना रहा हो, इस वजह से लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाते हैं, या किसी के पति की मृत्यु हो जाए, तो उस औरत को अजीबोगरीब नजरों से देखा जाता है, उसे समाज से धुतकारा जाता है, और फिर इसी तरह की औरतें काले जादू के चंगुल में आकर के डायन का रूप ले लेती हैं। यानी कि डायन बनने के लिए मरना नहीं पड़ता, जबकि जो चुड़ैल होती है वो मरी हुई होती है। आप चुड़ैल को इस तरह समझते हैं कि जो महिला मरने के बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं करती, उसकी आत्मा को अपने साथ ही बुराइयों का बदला लेना होता है, उसे कहते हैं चुड़ैल। पर अगर बात की जाए कि कोई महिला डायन कैसे बनती है, तो अक्सर हमारे समाज में रहने वाले तांत्रिक और अघोरियों की नजर समाज से अलग रहने वाली औरतों पर रहती है। ऐसी औरतों को वो अपने जाल में फंसाते हैं और अपने काम कराने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समाज तो उन्हें पहले से अकेला छोड़ चुका होता है। इसलिए वो औरतें तांत्रिकों या फिर दूसरी डायनों के चक्कर में पड़ जाती हैं। इस तरह की औरतों को पहले तो काले जादू से जुड़ी चीजें सिखाई जाती हैं। इस तरह एक इंसान रहते हुए भी उसके अंदर बाकी इंसानों से ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं, और धीरे धीरे काले जादू की विद्या उस महिला के सिर पर इतना ज्यादा सवार हो जाती है कि वो पूरी तरह से एक डायन के रूप में आ जाती है। जब कोई महिला डायन बन जाती है, तो उसके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वो एक ही पल में किसी को भी खत्म कर सकती है। अगर कोई औरत डायन विद्या सीखकर काला जादू करती है, तो उसे डायन कहते हैं। हालांकि अगर कोई पुरुष इस तरह की विद्या सीख ले, तो उसे डाइया कहा जाता है। लगातार प्रैक्टिस करने से वो औरत या फिर पुरुष डायन विद्या में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वे क्या से क्या बन चुके हैं। डायन बनने के बाद उनके अंदर समाज के लोगों के प्रति नफरत और बुराई जन्म लेती है। पहले जहां वो एक इंसान की तरह दूसरों के सुख दुख में शामिल होते थे, वहीं डायन का रूप धारण करने के बाद उन्हें दूसरों के दर्द में भी खुशी मिलती है। कहते हैं कि डायन माता काली के सेविका होती है, और इनके तंत्र मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। Really? जब इन्हें किसी से बदला लेना होता है या फिर किसी को परेशान करना होता है, तो ये उसके घर के दरवाजे के नीचे अपने माहवारी वाले कपड़े को काट देती हैं।
जिससे उस घर में देवी देवता का वास नहीं होता, पूरा घर काली शक्तियों से भर जाता है, जिसमें रहने वाले हर एक शख्स की जिंदगी का हर एक पल मुश्किलों भरा होता है। डायन विद्या की साधना के बारे में बात की जाए तो जब कोई औरत या पुरुष डायन विद्या को अच्छी तरह से सीख लेता है तो उसके बाद दीपावली की रात उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उनकी पूरी साधना बहुत ही खुफिया तरीके से होती है। सबसे पहले तो डायन दीपावली के दिन अपने पूरे इलाकों को मंत्र से बांध देती है ताकि उस दिन लोगों को जल्दी नींद आ जाए। फिर जंगल या सुनसान इलाके में 8 या 10 लोगों का ग्रुप बनाकर गोला बना लेती है और अपने गुरु डायन के सामने नग्न होकर अपने मलमूत्र को अपने शरीर पर लपेटने के बाद कमर पर झाड़ू बांध कर रात में नाचती है। ऐसा करके उन्हें और ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है। कहा जाता है कि डायन अपने बेटे या फिर पति की हत्या कर देती है या फिर किसी रहस्यमय तरीके से उसके बेटे या पति की मौत हो चुकी होती है। दरअसल कोई महिला या पुरुष जब डायन विद्या को सीखती हैं, तो उसके बाद इनके गुरु सिद्धि के लिए बलि की मांग करते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या वो डायन बनने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है या नहीं। उनका गुरु पति या बेटी की बलि मांगता है और अगर कोई औरत ऐसा करने से मना कर दे तो तंत्र मंत्र सीखने वाली वो औरत पूरी तरह से पागल हो जाती है और अगर हाँ कह दिया तो उसे अपने सबसे अजीज इंसान को खुद ही मारना होता है। जैसे ही एक डायन किसी की बलि देकर अपनी डायन विद्या को सिद्ध कर लेती है उसके बाद वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो पेड़ पौधे और पशु पक्षी के ऊपर अपने तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करती है और उसके बाद अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है, जिसके बाद लगातार नजर बनाए रखती है कि उसके द्वारा किए गए मंत्रों का असर हो रहा है या नहीं। दोस्तों कहा जाता है कि डायन विद्या को बहुत कम लोग ही सीखना चाहते हैं क्योंकि डायन बनने के बाद उनकी जो जिंदगी होती है वो मौत से भी बदतर होती है। जहाँ एक डायन को मरने से पहले 4 से 5 शिष्य बनाने पड़ते हैं और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो डायन के मरने के बाद भूत उसे परेशान करने लगते हैं। वो कोई ऐसा वैसा भूत नहीं होता बल्कि काली शक्तियों से बनकर तैयार हुआ एक राक्षस होता है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसकी बात न मानने वाली डायनों को वो हर वक्त मारता पीटता रहता है। यही वजह है कि डायन समाज में अलग अलग रहने वाली औरतों पर अपनी नजर गड़ाए रखती है। कैसे भी करके बस उन्हें दूसरी डायन बनाने का मौका मिले और वो अपना और भी ज्यादा विस्तार कर सके। जो औरतें बहुत ही जल्दी गुस्सा करने लगती हैं और अपने आसपास के लोगों से घृणा करती हैं, ये उन्हें खास पसंद करती हैं और उन्हें अपने जंगल में फंसाने के लिए काले जादू का भी इस्तेमाल करती हैं ताकि उस औरत को अपना शिष्य बना ले और फिर उसे काले जादू के मंत्र सिखाकर डायन बना सके। जानकारों की माने तो जब एक औरत डायन बन जाती है तो उसकी शक्तियों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। भले ही वो औरत वापस से सामान्य जिंदगी जीने लगे लेकिन उसके अंदर लोगों के प्रति जलन और नफरत की भावना हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि समाज के लोग इस तरह की औरतों से डरते हैं। और सबसे खतरनाक चीज तो ये है कि डायनों की जो उम्र है वो बहुत लंबी होती है पर जब ये मरती हैं तो उनकी मौत बहुत ही कष्टपूर्ण तरीके से होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं और तो और ये दूसरों की उम्र चुराकर और भी अधिक सालों तक जिंदा रह सकती हैं। कहते हैं कि डायन जितनी ज्यादा बूढ़ी होती है उसकी शक्तियाँ उतनी ज्यादा बढ़ती हैं। जब किसी के ऊपर डायन का साया पड़ जाए तो उसे भगाना आसान नहीं होता। आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे कोई भी छोटा मोटा तांत्रिक डायन की शक्तियों के आगे टिक नहीं सकता। डायन के साये को भगाने के लिए बहुत ही पुराने और शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत पड़ती है क्योंकि डायनों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे आत्माएं तैयार रहती हैं जो हर वक्त उसके चारों तरफ घुमा करती हैं। अगर कोई बहुत ही पुराना तांत्रिक है जो अनेक प्रकार की सिद्धियां जानता हो जैसे कि काली सिद्धि, भैरव सिद्धि और हनुमान सिद्धि जैसी शक्तियों से ही वो तांत्रिक डायन को खत्म कर सकता है। डायन काली माता की मुख्य सेविकाएं होती हैं इसलिए उनकी शक्ति को हरा पाना इतना आसान नहीं होता। डायनों को अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी एक एक पल की खबर रहती है। यही कारण है जिस परिवार को डायन परेशान करती है उनकी जिंदगी का हर एक पल नर्क बन जाता है। इस तरह से उनके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है और अगर कोई डायन को भगाने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना शुरू करता है तो डायन पहले ही समझ जाती है और जहाँ कहीं भी उसके खिलाफ काला जादू या तंत्र मंत्र किया जाता है डायन तुरंत वहाँ पहुँच कर सब कुछ रोक देती है। इसी वजह से इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब डायन की शक्ति और उसकी जिंदगी के बारे में सुनने के बाद इसका यह मतलब नहीं है कि आप तंत्र मंत्र काले जादू जैसी चीजों के प्रति आकर्षित हों। हमारा तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाने का मकसद था, आपको सोच से रूबरू करवाया जाए, सच से रूबरू करवाया जाए। अब आप डायन या चुड़ैल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म। भाई क्या खतरनाक वीडियो थी। मतलब देखो पहली बात तो समाज ही जो सोसाइटी होता है वो मोटिव देता है इस टाइप के गलत कामों की तरह।
तरफ मुड़ जाने के लिए, है ना। लेकिन ये खुद पे डिपेंड करता है कि हाँ तुम गलत रास्ते पर जाना चाहते हो या सही रास्ते पर जाना चाहते हो, है ना। और अगर अलग थलग रहना ही है तो अपना सामान्य जीवन जी लो, है ना। ये डायन चुड़ैल बनने की क्या ज़रूरत है यार। अच्छा, चुड़ैल तो कोई बनती भी नहीं जैसा इस वीडियो के मुताबिक, ठीक है, कि चुड़ैल तो मरने के बाद ही किसी की अतृप्त आत्मा हो वो, जैसा कि यार हम लोग ने मूवीज़ में देख रखा है और किताबों में पढ़ रखा है, कई सारी किताबों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि हाँ जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिन्हें जिनका कोई काम अधूरा रह जाता है तो वो वापस आती हैं, किसी ना किसी तरीके से सिग्नल देती हैं, है ना। तो ये चीज़ रहता है। लेकिन ये जो डायन वाला कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पे जो बताया गया कि हाँ वो जीते जी ही अपनी शक्तियाँ, अपने अंदर शक्तियाँ पैदा करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने होते हैं उन्हें, है ना, और मौत से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी हो जाती है। वाकई यार किसको अच्छी लगेगी ऐसी ज़िंदगी है कि तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े हों, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही हो, और ये जी तो मतलब कुछ ऐसा ही है। अभी यहाँ पे देखो, मैं इन सब बातों पे ज़्यादा बिलीव करती नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट, हॉरर एंटरटेनमेंट वीडियो थी, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।